अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नारी विधि, देख मैं थारे ले क्या लेकर आई हूँ, खिलौना। अच्छा लगा ना थारे को? मैं ना बाजार जाऊँ घूमी घूमी करने, आएगी मारे साथ, थारे को और भी ढेर सारे खिलौने दिलाऊंगी मैं। पर मुझे खिलौने क्यों दिलाओगी? विधि रानी, भारी लाडो, वो मैंने कल थारे को डरा दिया था ना, तुम्हारे को ना बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं थारे को और ढेर सारे खिलौने दिलाऊंगी। पक्का दिलाऊंगी? इतने सारे दिलाऊंगी सच्ची? थारी सो मेरी बात ध्यान से सुन, वो कोठारी की दोनों बहुएं वो पागल विधि को लेकर यहाँ पहुंचने वाली है, अभी घर खाली होगा। मैंने जो कमरा बताया था उसमें चुपके से घुस और तिजोरी खोल, पूरा माल लेके उड़ जा। और सुन, जैसे काम हो तुरंत मुझे फोन कर। इसके हम शक्ल को कमरे में बंद करके आए? हाँ बाबा जी, कर दिया। बाबा जी बिल्कुल भी कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। बहुत अच्छे बच्चे हो, बेवकूफ है ये दोनों, कितने आराम से विधि को मेरे पास ले आई। इन्हें क्या मालूम इस विधि के साथ क्या होने वाला है। कुछ नहीं विधि, हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। ये दिव्य जल पियो। दिव्य जल? पीले पीले पीले। मैं कोमल कले। कोमल कली को रखना है, बाबा के पास जाना है। अच्छा आज हम दोनों एक खेल खेले, बहुत मजा आएगा, सारे घर के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। करना क्या है खेल में? आज एक दिन मैं आपके जैसे तैयार हो जाऊंगी और आप मेरी तरह। अगर कोई आए तो सोने का नाटक करना, मैं आपके जैसे तैयार होकर सारे घर वालों से बात करूंगी और वो परेशान हो जाएंगे। बड़ा मजा आएगा। मैं कोमल कले। बाबा जी की जय हो। विधि विधि कोई बात नहीं, तुम अंदर चलो, मैं हवन की सामग्री तैयार करता हूँ। पहुंच गए। अच्छा
बातें कर रही है, चुप हो जा। दीदी शांत हो जा, तेरे हेड से ना कोमल कली का पूरा साया हट जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ शांत हो जा। मुझे ज्यादा इनसे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना ये मारे हाथ पैर बांध देंगे जैसे विधि जी के कल बांधे थे। अब ये इस धुएं से बेहोश हो जाएंगे और मेरा सब काम भी हो जाएगा। बहुत सर घूम रहा है भाभी। हमारा भी बहुत सर घूम रहा है। भाभी उठो, उठे गई उठो। कौन है तू? हालतू जालतू को लगता है हमीदे के अंदर आत्मा आ गई। मामा माफ कर देता। पहचाना नहीं तूने? मैं विधि नहीं, कोमल कली हूँ। माँ माफ कर दे मेरी माँ। दरवाजा खोल देते हैं, बच्ची क्या बिगाड़ लेगी। ये लड़की यहाँ है तो वो पागल लड़की उस घर में है। अपना चोरी का काम तो बहुत आसान हो गया है। एक काम कर, इन दोनों को उस कमरे में बंद कर और इसको इसको तो घास के ढेर में फेंक दे। जी। जा। जा। जी बाबा। फोन लगाओ उन छोरों को, पूछ और कोठारी के घर में कितना टाइम लगेगा लूटने के लिए, उसे बोल। जी जी बाबा। यस।
इधर है, ए उधर है। बाप रे बाप, अरे दादा रे दादा, अरे अरे ये बड़ा मजा आया। अरे अरे ये उठ उठ, अरे बाप रे बाप। मत आओ, पकड़ इसको, पकड़ इसको। दीदी दीदी, मारो उसको, जोर से मारो उसको। विधि, कोमल कली कहाँ है? कौन हो तुम लोग और किसके कहने पे यहां पर आए? ये कौन? दीदी, भूत वाले बाबा के पास है। भूत वाले बाबा? विधि, ये बाबा कौन है? कोमल कली को कहाँ लेके गए हैं? उस जगह के बारे में कुछ पता है तुम्हें? नहीं पता दीदी को कहाँ लेके गए, लेकिन इतना पता है कि दीदी बहुत मुश्किल में है। बाबा, फोन के जरिए बाबा को पता मिल सकता है। लगता है चंगू बंगू पकड़े गए, पापा को बताना होगा। ए दादा, पापा क्या हुआ रे? माल आया बाबा, चंगू और मंगू में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, क्या करना है? ए, लगता है वो पकड़े गए, फिर तो पुलिस भी यहाँ पहुँचती होगी। एक काम कर, सामान लपट, जल्दी कर जा। तेरी वजह से मेरा प्लान चौपट हो गया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। आवाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, प्रॉमिस। बैठो। लड़की, अरे कोई है बाहर, अरे दरवाजा खोलो। ये दोनों बंदरिया भी नींद से जाग गई। We'll be right back.
अरे हम हैं इमरती और दिव्या। नहीं मैं आई थी, मतलब नहीं नहीं मैं घर पे थी और दीदी आई थी यहाँ। दीदी कहाँ है? तूने मेरा प्लान गुड़ गोबर किया है, अब तू ऊपर जा। तुम ठीक हो ना? हाँ दीदी कुछ बोल क्यों नहीं रही? कोमलकली, कोमलकली, विधि, वेद, वेद, इमरती भाभी आप दोनों यहाँ? पर यही दोनों तो लेके आई थी दीदी को यहाँ। आप दोनों से मैं बाद में बात करता हूँ, पहले विधि और कोमलकली को घर पे लेके जाइए। तब तक मैं इन गुंडों को पुलिस के हवाले कर आता हूं। पुलिस सिर्फ बाबा के चेलों को पकड़ पाई क्योंकि वो ढोंगी बागा बच के भाग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों ने ऐसा किया है क्यों। विधि अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आई है, ऑलरेडी सदमे में है और आप लोगों ने उसे उस बाबा के हवाले कर दिया। आप लोग जानते हैं विधि जिंदगी है मेरी, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो देवर साहब मारे को माफ कर दो। मारे ऊपर जैसे उस बाबा ने ना कोई जादू टोना कर दिया था। हाँ वेद, मुझे तो सच में लगा था कि वो बाबा विधि को ठीक कर देगा। अरे उस बाबा को तो ये तक पता था कि विधि का एक्सीडेंट कैसे हुआ है, तो इसलिए मैं भी उस बाबा के चंगुल में आ गई। अरे कैसे नहीं पता होगा, विधि के एक्सीडेंट की खबर अखबार में छपी थी। सच में इमरती, कोमलकली ने उसे घर में चोरी करते हुए पकड़ा था ना, फिर भी तुम दोनों ने कोमलकली पर नहीं उस बाबा पर यकीन किया। इमरती उस बाबा को ना इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। मारे को लगा कि अगर मैं विधि को जल्दी ठीक करा दूंगी तो थे सब मुझसे खुश हो जाओगे, बाकी थे सयाने हो। अरे काश थोड़ा सयानापन आपने दिखाया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। आप जानती है वो चेले घर में चोरी करने आए थे, उन्होंने क्या बयान दिया कि बाबा ने उन्हें बताया था कि उस वक्त घर में कोई नहीं होगा, कीमती सामान माँ की अलमारी में होगा। विधि अकेली थी घर में, मैं सही वक्त पे आ गया, वरना वो चेले विधि को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार नहीं सोचते। कोमलकली कोई बुरा साया नहीं है, एक बात समझ लीजिए आप, कोमलकली इस घर में रह रही है मेरे लिए, मेरे कहने पर, विधि की मदद करने के लिए। और जिस तरीके से ये विधि का ख्याल रख रही है हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए,
ना कि इसे बुरा साया बोलना चाहिए। अगर आज कोमल कली नहीं होती ना तो पता नहीं उस बाबा ने विधि के साथ क्या कर दिया होता। कोमल कली मारे को माफ कर दे। सॉरी। हाँ कोई बात नहीं भाभी, आप दोनों का गलत इरादा नहीं था, ये तो बाबा ही दुष्ट निकला। विधि जी ने आप दोनों की बातें सुन ली थी, इसीलिए हमने कपड़े बदल दिए थे और मैं आपके साथ आ गई और विधि जी को मैंने यहाँ घर पे रख लिया। पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो ढोंगी बाबा हमारे जाने के बाद अपने चेले भेज देगा इस घर पे। माझी सा, माझी सा, बोलो ना देवर सा को कि मारे को माफ कर दे। अरे देखो तुम